जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज 6 और 7 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी एक हैवी ड्रेस बनाना सिखाएंगे। ये दोस्तों ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नई मेहमान है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए ना, क्योंकि हम बहुत प्यारी प्यारी सी आगे ड्रेस आपको दिखाने वाले हैं हैवी वाली। 6 नंबर और 7 नंबर के ठाकुर जी की पोशाक है। डायमीटर हमने लगभग 11.5 इंची बाई 11.5 इंची का कट किया है। गोल कट कर लिया पेस्टिंग बुकरम पर, और कट करने के बाद में इस पर हमने ये कॉटन का फैब्रिक अस्तर चिपका दिया है, और एक अस्तर हमने नीचे के लिए भी कट कर लिया है। साथ ही 1 इंची का हमने कमर की गोलाई के लिए घेरा कट किया है। तो अब इसको क्या करेंगे, ऐसे डबल करना है। डबल करके इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद यहाँ से ये गोलाई में सिलाई लगा लेते हैं, और साथ ही गोलाई को कट करके निकाल देंगे। हमने कटिंग कर दी, अब क्या करना है, इसलिए इसको हम बाहर की साइड में ये टक कर लेंगे। लेस लगा ली हमने, ये देखिए यहाँ से डायमीटर थोड़ा सा हमारा उठ रहा है। हल्के से यहाँ पे लेस में हम कट लगा देते हैं ताकि ये डायमीटर हमारा उठेगा नहीं। अब देखिए यहाँ से हम इसे नाप लेंगे, ये लगभग 5 इंची यहाँ तक आ रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। अब हमने क्या किया है, 3 कलर की हमने फ्रिल कट की हैं, फ्रिल बना ली हैं उल्टा हमने। ये मैं बता देती हूँ, हमने ये 2-2 इंची की 3 फ्रिल तैयार की हैं। एक कलर ये है, एक कलर हमारा ये ग्रीन वाला है लाइट ग्रीन, और एक लेमन कलर। तीनों कलर की हमने ये फ्रिल तैयार कर ली हैं। और ये फ्रिल हमने कितनी कट की थी, ये 5 पट्टी हमने 1 अर्ज की कट की हैं इसकी, और ये वाली हमने जो ग्रीन है ये हमने 4 पट्टी 1 अर्ज की कट की हैं, और येलो वाली हैं ये हमने 3 पट्टी कट की हैं। तो इस तरीके से ये हमने 5, 3 और 5, 4 और 3, ये 3 पट्टियाँ हमने तीनों कलर की अलग अलग कट की हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निशान लगाना है। ये 5 है तो 5 को 3 भाग में बांट देंगे, यानी लगभग 1.25 इंची। 1.25 इंची पे एक निशान हम ये लगाएंगे, 3.5 इंची पे एक निशान हम ये लगाएंगे। इस तरीके से ये पूरे गोले में हम निशान लगा लेंगे, 1.25 इंची और 3.5 इंची। ये हम देखिए 3 घेरे बना लिए। अब पहली फ्रिल हम यहाँ लगाएंगे, दूसरी यहाँ लगाएंगे, तीसरी हम यहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डार्क कलर की फ्रिल लगाएंगे। अब यहाँ से हम ये लाइट ग्रीन कलर की फ्रिल को टक करेंगे। ये 2 फ्रिल हमने लगा ली, अब तीसरी फ्रिल हम ये लाइट लेमन कलर की है इसको भी लगा देते हैं। इसको यहाँ कमर की गोलाई के साथ में टक करेंगे। तीनों कलर की फ्रिल हमारी लग गई हैं। अब दोनों साइड से यहाँ से पहले सिलाई लगा लेंगे, सिलाई लगा के इसकी फिनिशिंग कर देंगे कैंची से कट करके, उसके बाद इसमें टिश्यू टेप लगाएंगे। तीनों फ्रिल हमने लगा ली, टिश्यू टेप भी लगा लिया। अब ये कमर का नेफा लगा लेते हैं। नेफे के लिए हमने देखिए कॉटन का अरकंडी का ये कपड़ा लिया है, क्योंकि सेम एक तो मैचिंग मिल गया है, और दूसरा ये कॉटन के कपड़े से हम जब नेफा लगाते हैं ना तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। इसको हमने 2 इंची चौड़ा और ये भी कट किया है, 1/2 इंची अंदर की साइड मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद इस तरीके से डबल करेंगे और उल्टी साइड से इसे
टक कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। एक साइड से हमने ये इसको सिल दिया नेफे को, दूसरी साइड से ये देखिए एक्स्ट्रा जो हमने पट्टी छोड़ी हुई आधा इंची हम एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, उसको अंदर की साइड मोड़ा और मोड़ने के बाद डोरी को रखा और उसके बाद में इसे यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डायमीटर हमारा ग्रीन कलर का बन करके तैयार हो गया, शेडेड बहुत प्यारा लग रहा है, कलर एकदम से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, हरियाली चीज़ों पे बहुत ही प्यारा लगेगा। लेकिन इसका डेकोरेशन हम अभी काफ़ी हैवी करने वाले हैं, तो इससे पहले लेकिन चोली बना लेते हैं, चोली बनाने के बाद में ही हम इसका डेकोरेशन करेंगे। चलिए अब चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए हमने 3 इंची चौड़ी और 14 इंची लंबी हमने पट्टी कट की है और इसको हम क्या करेंगे ऐसे करके ये डबल करके यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। एक बार सिलाई लगाने के बाद ये एक साइड हम टिश्यू टेप से लॉक करेंगे। एक साइड हमने टिश्यू टेप से लॉक कर दिया, बाकी हमने देखिए 3 फ्रिल बना ली। फ्रिल हमने बनाई नहीं बल्कि जो हमारे घेर में से बच गई थी उन्हीं को हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा करके हाफ कर दिया बीच में से। अब क्या करेंगे इन फ्रिल्स को हम पट्टी में हमने टिश्यू टेप लगा लिया उसके बाद में से हाफ हाफ कर लेते हैं, यानी 2 पीस में कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ये जो टिश्यू टेप वाला एरिया है ना वो हमारा इधर बाहर की साइड जाएगा, सॉरी ऐसे। अब हमने क्या किया है जो हमारी फ्रिल बची थी ना वही फ्रिल हमने ले लिया, उस फ्रिल को हम इस तरीके से स्लीव्स की जगह पर लगाएंगे। यहाँ पर ये कोने को अंदर दबाने के बाद में ऐसे करते हुए लेकर आएंगे और ये देखिए डार्क वाली ग्रीन वाली को हम इस तरीके से इसको लगा देंगे, इस वाली साइड भी और इस वाली इसमें भी। ये देखिए दोनों साइड हमने ये आस्तीन के लिए टिश्यू टेप लगा लिया। अब ये लेस लिया, इस लेस को टक कर देंगे। अब ग्रीन कलर की फ्रिल लेंगे और ग्रीन कलर की फ्रिल को हम इस तरीके से टक कर देंगे और तीसरी पट्टी को येलो को हम इस तरीके से बिल्कुल इसके किनारे किनारे लगा लेंगे और इसे टिश्यू टेप से यहाँ से कवर कर देंगे। दोनों पट्टियों को ऐसे ओवरलैप करके 2 से 2.5 इंची तक सिलाई कर देंगे। यहाँ बांधने के लिए गोटा लगा देंगे। देखिए ये घेर भी बन गया, चोली भी बन गई। अब डेकोरेशन कर लेते हैं घेर का। तो देखिए डेकोरेशन के लिए हमने बहुत प्यारी सी ये जरदोजी की बूटियां ली हैं। इनको देखिए हम कैसे टक लगाएंगे, ग्लूगन से ही इनको चिपकाएंगे, इस तरीके से इनको सीक्वेंस में लगाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई हमने दबके के काम की लेस लगाई हुई है। आपस में इनको सटा सटा करके इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक ये जो येलो वाला पार्ट है ना इसको हम पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिल कर देंगे। उसके बाद में हमने ये बड़ी बूटियाँ ली हैं, ये देखिए बड़ी फ्लावर वाली बूटियाँ ये रेशम वर्क की और पर्ल वर्क की, इनको लगाएंगे। सबसे पहले हम ये सेंटर से शुरू करते हैं, हमेशा मैं कोई भी बूटी लगाना शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं सेंटर से लगाना शुरू करती हूँ, उसके बाद एक बूटी हम इस साइड लगाते हैं और एक बूटी हम इस साइड लगाते हैं। देखिए बहुत प्यारी लग रही हैं बूटियाँ, अभी तो हमने टक भी नहीं की हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। इस तरीके से ये बूटियों को हम लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बूटियाँ लगाने से पहले ना हमें हमेशा पहले रख के देख लेना चाहिए बिना ग्लू लगाए, अगर से कहीं इधर उधर 19-20 आ रहा है तो ताकि हम सेट तो अभी कर लें। आप देखिए यहाँ थोड़ी सी जगह ज़्यादा बच रही है तो थोड़ा थोड़ा हम बराबर बराबर गैप दे देंगे तो ये कवर हो जाएगा गैप हमारा।
और अगर से हम देखेंगे नहीं लगा करके तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये साथ ही ये वाली बूटियां ली हैं। ये जो हमारा ये देखिए थोड़ी सी हमारी जगह खाली खाली लगेगी ये वाली ये करने के बाद में, तो इन जगहों पर हम इन बूटियों को लगा देंगे। तो इस तरीके से हम पूरे घेर का डेकोरेशन इतना तो कर लेते हैं, उसके बाद में लगेगा हमें कोई कमी है तो और कुछ करके देख लेंगे। तो ये लगा लेते हैं हम इनको। हमारी पूरी ड्रेस का डेकोरेशन हो गया, बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही है, अमेजिंग, बिल्कुल बहुत ही यूनिक ड्रेस है। दोस्तों आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और अगर से आपको ये मटेरियल इस टाइप का नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम अपडेट करते रहते हैं इस तरीके के जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल भी ड्रेसेस भी। इसकी पगड़ी अभी हमने नहीं बनाई है, पगड़ी आपको दिखाएंगे जब बनाएंगे तो पगड़ी का अलग से हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि पगड़ी हम काफी इसकी हैवी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इससे भी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। और आज सारी आप सारी है ना ड्रेसेस के वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।